लोगों ने जरूर कुछ बुरा किया होगा, वो उन्हें डांट रहे हैं। पुलिस को सख्त बनने की क्या जरूरत है, वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं। ओह, उनके सख्त होने की तो बहुत सी वजह है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम अच्छे से समझ सको। बहुत बड़ा मक्की का खेत था। उसे पक्षियों से बचाने के लिए किसान एक बहुत ही डरावना दिखने वाला स्केयरक्रो खेत के बीच में खड़ा कर देता था। वो स्केयरक्रो अपना काम बहुत अच्छे से करता था। वो पक्षियों को डराकर भगा देता। बेशक वो डरावना दिखता था पर उसका दिल बहुत अच्छा था। ओह, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। मैं हमेशा सबको डराता रहता हूँ, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे तो बस यहाँ दिन रात खड़े रहना पड़ता है, वो भी अकेले, और मैं कुछ नहीं करता। मुझे ये पसंद नहीं। क्या तुमने कुछ कहा स्केयरक्रो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी परी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी दोस्त? तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा क्या? मुझे किसी से डर नहीं लगता स्केयरक्रो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई परी भी दोस्त है। देखो, सभी की एक परी दोस्त होती है, पर हम सिर्फ उन्हीं के सामने आते हैं जिनका दिल साफ होता है। तो क्या मेरा दिल साफ है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ इनाम देने आई हूँ। तुम मुझसे एक इच्छा मांग सकते हो, याद रहे सिर्फ एक ही इच्छा, जो दिल करे मांग लो और मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगी। सच में? हाँ बिल्कुल, अच्छे से सोच लो और मांग लो। ठीक है, एक इच्छा है, मुझे ऐसा बना दो कि मैं प्यारा दिखूं। मैं डरावना नहीं दिखना चाहता। पक्का तुम यही चाहते हो? तुम्हारी सिर्फ एक ही इच्छा पूरी होगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ पक्का। चलती हूँ स्केयरक्रो, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया परी मेरी दोस्त, अलविदा। स्केयरक्रो की इच्छा पूरी तो हो गई थी पर धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे पक्षी आने लगे। स्केयरक्रो उन्हें देखकर मुस्कुराता और बहुत खुश होता था, पर एक इंसान खुश नहीं था। हे शू शू, पक्षियों मेरे दाने मत खाओ, भागो यहाँ से। ये क्या है? स्केयरक्रो की ऐसी हालत जरूर उन बदमाश बच्चों ने की होगी। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम का नहीं, अब मैं क्या करूँ? ओह समझ गया, मैं इसकी लकड़ी काट कर आग जलाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। कल फिर से एक नया स्केयरक्रो बना लूँगा। तो बच्चों, अब तुम समझ ही गए होगे कि क्या होता है जब लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। दुख भरी कहानी बच्चों, पर उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा कि उनके साथ क्या होता है जो लोग अपना फर्ज नहीं निभाते। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना।